26 जनवरी को किसानों द्वारा निकाली गई ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर आज दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने राकेश टिकैत समेत 9 किसान नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया है। इन सभी नेताओं को अलग अलग जगहों पर क्राइम ब्रांच के ऑफिस में आने के लिए कहा गया है। इन नेताओं में शामिल है राकेश टिकैत, पवन कुमार, राजकिशोर सिंह, तजेंद्र सिंह विक्र, तजेंद्र सिंह उर्फ जीतू, त्रिलोचल सिंह, गुरमुख सिंह, हरप्रीत सिंह और जगतार सिंह बाजवा। इसके अलावा ट्रैक्टर परेड की आड़ में गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में उपद्रव करने को लेकर दर्ज किए गए मुकदमे के बाद दिल्ली पुलिस ने 37 किसान नेताओं को नोटिस भेजकर 3 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है। ये नोटिस जिन नेताओं को भेजा गया है उनमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, जगतार सिंह बाजवा, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, कुलवंत सिंह संधू, बूटा सिंह, निर्भय सिंह, धूड़ी के रुलतू सिंह आदि नेता शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने उन्हें 3 दिन के अंदर लिखित में जवाब देने को कहा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के मुताबिक लाल किले की घटना के लिए जो जिम्मेदार है उनकी कॉल डिटेल निकाली जाए, लाल किले पर कौन लोग थे इसकी जाँच सुप्रीम कोर्ट के जज करें। टिकैत ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर किसानों को गुमराह किया गया, उन्हें रास्तों से योजनाबद्ध तरीके से भटकाया गया। लाल किले में जो कुछ भी हुआ वो बेहद शर्मनाक था, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसमें जो भी शामिल रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं किसान आंदोलन से लौटने से पहले किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष वीएम सिंह ने पत्रकार वार्ता कर भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्हें सरकार का एजेंट तक कहकर संबोधित किया था। इस मामले में राकेश टिकैत ने कहा कि स्थिति कोई भी हो, हम मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं। जो मैदान छोड़ जाते हैं वो भगौड़े कहलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की। साथ ही दिल्ली सरकार की ओर से की गई पानी की व्यवस्था का भी जायजा लिया। डिप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है और कोई भी जरूरत हो तो हम तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि पेट इंटरनेट से नहीं रोटी से भरता है। आज कुछ पूंजीपतियों के दबाव में किसानों को गद्दार कहा जा रहा है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नव समाचार। शुक्रिया।